गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन टीचिंग क्लास ऑफ मैथ फॉर ग्रेड 6। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिड एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू थर्ड हम कर चुके हैं। टुडे वी डू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का हमारा ये फर्स्ट का ए पार्ट है, फोर्थ का ए पार्ट है। 589 × 27, 589 × 30। तो हम ध्यान से देखेंगे तो ये 589 दोनों में हमारा कॉमन है, इसलिए यहाँ पे इसको बाहर लिख लेंगे एक बार कॉमन, अंदर ब्रैकेट में इन दोनों चीजों को लिखेंगे। इसका 27 रहता है और इसका 13, इन दोनों नंबर्स को लिखेंगे और बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन लगा देंगे। फिर इन दोनों चीजों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 40। अब 589 में 40 को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह सारे क्वेश्चन है आपके बी सी डी, इसी तरह आप ऑल सम करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। सुटेबल प्रॉपर्टीज को यूज करके इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो ऐसे करेंगे फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। जैसे फर्स्ट हमारा है 397 × 104, तो इसमें 397 को किसी भी एक नंबर को आपको स्प्लिट करना है। जैसे 104 को स्प्लिट करके मैंने 100 प्लस 4 लिखा है, उसी तरह आप इसको इस तरह अरेंज कर सकते हैं, इसको भी अरेंज कर सकते हैं 4000, वो ज्यादा टफ हो जाएगा, ये ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, इसको कर सकते हो स्प्लिट इजीली, तो इसको ऐसे कर देंगे। इसका मतलब है कि 397 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और 397 4 में भी मल्टीप्लाई होगा और बीच में ये प्लस साइन आएगा, ठीक है। तो 397 को 100 से मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस साइन, फिर 397 को 4 में मल्टीप्लाई किया और बीच में ये प्लस साइन, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इसको मल्टीप्लाई रफ में करोगे ऐसे, फिर ये आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह आपको सारे सम करने हैं, इसका बी पार्ट भी मैंने करके दिखाया आपको। 485 × 1007 है, तो 1007 को स्प्लिट किया हमने 1000 + 7, 185 को 1000 से मल्टीप्लाई किया और 485 को 7 से भी मल्टीप्लाई करके इस तरह इसको सॉल्व किया, ठीक है। इसी तरह आप इसके अदर पार्ट्स करोगे सी डी एंड ई पार्ट इन योर नोटबुक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 1600 इफ 589 आर मेन एंड 372 आर वुमेन, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। एक पॉपुलेशन है सिटी की जिसके 1600 है, इसमें 589 मेन है और इतने वुमेन है, तो इसका चिल्ड्रन को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, पॉपुलेशन 1600 है, मेन कितने हैं इतने, वुमेन 372, हाउ मेनी चिल्ड्रन। तो इसमें क्या है, जो ये 1600 पॉपुलेशन है इसमें मेन्स वुमेन्स एंड चिल्ड्रन भी ऐड है, तो इसमें से इन दोनों को ऐड करके जब हम माइनस, इन दोनों को प्लस करके 1600 में माइनस करेंगे तो वो अमाउंट हमारा चिल्ड्रन का आ जाएगा, ठीक है। मैन वुमेन को ऐड करके फिर 1600 में इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, ए रेस्टोरेंट चार्जेस ₹50 फॉर लंच एंड इतने ₹10 फॉर टी फॉर ईच डे, हाउ मेनी डू यू स्पेंड इन 7 डेज ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। तो हमारा ये है सॉल्यूशन, लंच पे ₹50 एंड टी पे कितने रुपीज, ईच डे कितना होता है ₹10 खर्च होता है, तो वन डे में टोटल स्पेंड कितना खर्च किया उसने लंच पे और टी के लिए, तो टोटल अमाउंट 60, ठीक है। वन डे में अगर ₹60 स्पेंड होता है तो 7 डेज में कितना होगा, 60 × 7, ये हमारा आंसर ₹420 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 24 + 17 + 16, इनको एड करना है टू वेज में, है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 24 + 16 इन टू वेज में, इनको ऐड करके बताना है कितना आएगा। टू वेज में ऐड करना है तो ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाया है, चाहे प्लस ए प्लस बी को ऐड करके सी में ऐड करो तो भी आपका सेम आंसर आएगा, या ए को रहने देंगे बी एंड सी को ऐड करके तब उसमें ऐड करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा, पर ये दोनों मेथड आपको शो करना है, ठीक है, डू लाइक दैट। क्वेश्चन नंबर 9 है, A wholesaler supplies 52 kg of rice on first day and 18 kg of rice on second day. If the cost of 1 kg of rice is ₹50 per kg, how much money will shopkeeper pay to wholesaler? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है,
फर्स्ट डे अमाउंट ऑफ राइस कितना परचेस किया था उसने, 52 केजी सप्लाई किया था। सेकेंड डे कितना अमाउंट ऑफ राइस सप्लाई किया, 18 केजी। तो टोटल अमाउंट ऑफ राइस कितना हो गया, 52 प्लस 18, 17 केजी। तो प्राइस ऑफ 1 केजी राइस कितना है, 50 है। प्राइस ऑफ 1 केजी राइस 50 है, तो 70 केजी राइस का प्राइस कितना होगा, 50 इंटू 70, 3500। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, आप अपने से बता करोगे, इसे ट्रू फॉल्स में लग बताना है। प्रॉपर्टीज को एक बार फिर से रीड कर लेना उसके बाद। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू दिस सम इन योर नोटबुक विथ हेल्प ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।